को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। अपनी जात से बाला तर जो वो ही लीडर अपना है, सेहत तालीम मिलेगी सबको, यही उसका सपना है। काम करेगा ऐसे सारी कौम को जिस पर नाज हो, शेर पे मोहर लगाओ पाकिस्तान को नवाज दो। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कायदे मोहतरम का इस्तकबाल झंडे लहराकर, झंडे लहराकर नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। पूर्ण तरीके से देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हाथ उठाकर, तालियां बजाकर, झंडे लहराकर कायदे मोहतरम का भरपूर इस्तकबाल कीजिए। मुल्क के नौजवानों तुम इकबाल के शहबाज हो, शेर पे मोहर लगाओ पाकिस्तान को नवाज दो। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ आपकी इस जमीन पर मौजूद हैं। आलमे इस्लाम का असीम लीडर खुटिया की सरजमीन पर मोहतरम मरियम नवाज साहबा, जनाबे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हम आपको दिल की अथागराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अहलन वसालन व मरहबा। नवाज दो पाकिस्तान को, नवाज दो पाकिस्तान को, नवाज दो पाकिस्तान को, नवाज दो पाकिस्तान को, नवाज दो। उसका दौर तरक्की वाला फिर से वापस लाना है, अपने मुल्क को पहले जैसा फिर खुशहाल बनाना है।
पाकिस्तान को नवाज दो, 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 पाकिस्तान को नवाज दो। सबज हलाली परचम हिला दे, तहरीके पाकिस्तान का जज्बा, आलम इस्लाम का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपके दरमियान मौजूद हैं। मायूसी का खात्मा खुशहाली का आगाज हो, शेर यार पे मोर लगाओ। फ्लेक्सेस आप ही उतार दियो भाई, ए रुकावट बनी खड़ी, ए फ्लेक्सा खींच दियो, ए फ्लेक्सा खींच दियो, फ्लेक्सा है थल्ले कर दियो, थल्ले कर लो, कोई नहीं, चलो खींच दे खींच दे खींच दे, खेच लो बेटे, खेच लो खेच लो खेच लो खेच लो। मियां साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इनको उतार लें नीचे, एहतियात से उतार लें, चोट ना लगे। बस ऐसे नीचे कर दें, कामरान ये फ्लेक्स भी उतार दे भड़ी आगे से और नीचे कर दे, मेरे साथ कर एक नारे का जवाब दीजिए, नाराए तकबीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तलावत है कुरान हकीम के लिए। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, तलावत के लिए तशरीफ लाते हैं जनाबे मोहतरम कारी मोहम्मद अजीम मोहसिन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान
जनाब कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुड़ियां तशरीफ लाने पर खुश आमदेद कहता हूं। जनाब अली, ये लोग आपसे सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, इश्क करते हैं, इश्क करते हैं। जनाब कायदे मोहतरम, यहां पर कौमी असेंबली के उम्मीदवार जनाब सदर जमात मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और इस इलाके के दोस्तों का जिस दिन से उन्होंने यहां से इंतखाब लड़ने का फैसला किया, आपने फैसला किया कि वो आपके नुमाइंदे के तौर पर इस हलका से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, यहां पर कैंपेन नहीं एक जश्न का समय है। अपनी जात से मैं बगैर तमहीद के और बगैर वक्त जाया किए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मुल्तमिस हूं कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर के शेरों, और वो देखो कसूर की शेरनियों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। कसूर वालों, मुझे आपको देखकर आज अलामा इकबाल का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा था, झपटना पलटना पलट कर झपटना। अभी मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि आप लोग नवाज शरीफ से इश्क करते हो, तो कसूर वालों, आपके इश्क ने ये बाजी पलट के रख दी। कसूर ने हमेशा नवाज शरीफ का मान रखा, कसूर ने नवाज शरीफ का परचम कभी गिरने नहीं दिया, कसूर ने कभी किसी और जमात को कसूर की सड़कों से अंदर घुसने नहीं दिया, कसूर ने मुश्किल तरीन वक्त में भी नवाज शरीफ का परचम गिरने नहीं दिया। कसूर वालों, आपकी इस्तकामत को सलाम है। और कसूर से हमें भी बहुत मोहब्बत है, और आज ये मोहब्बत इस पर मोहर लग गई है। उसकी वजह यह है कि हमने आपके शहबाज शरीफ को, अपने शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कसूर भेजा है। अपनी जात से बाला तर जो वो ही ली। और खुडिया वालों, खुडिया वालों, नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की कैंपेन का आखिरी जलसा आपके बीच में आकर किया है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया ये कह रही है, हर सर्वे ये कह रहा है, और आज भी मैं सुबह टीवी देख रही थी, सुबह एक और सर्वे आया है जो कह रहा है
के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ा ही है। हर सर्वे ने मुखालफीन की झूठी जाली मकबूलियत के पर खर्चे उड़ा के रख दिया अल्लाह ताला के फजल से। और ये सिर्फ सर्वे नहीं कह रहे, ये खुडिया का जलसा बता रहा है, ये आवाम कह रही है, ये नवाज शरीफ का हर जलसा कह रहा था, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। और जिस तरह दीवाना वार आवाम नवाज शरीफ की तरफ दौड़ी चली आती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ये मौजजा अल्लाह के फजल से कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप जानते हो, गवाह हो खुडिया वालों, मेरी बहनों आप भी गवाह हो, मेरे नौजवानों आप भी गवाह हो, ये जो जलसा गाह से बाहर आवाम खड़ी है ये भी गवाह है कि जब पिछले 6-7 साल में नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जुल्म और जबर की हर हद को फलांगा गया, जब इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, और वो हुआ जो सियासत में कभी नहीं हुआ, और कहा कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, कहा गया था ना ये, कहा गया था ना ये। आज अल्लाह ताला का करना देखो कि सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। शेर पे मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। लोग कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ की सारी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ साहब खुद यही हंसते हैं कि तुम्हारी सारी तकरीरों में नवाज शरीफ के अलावा और कोई बात नहीं होती। तो मरियम नवाज शरीफ तो आपकी बेटी है, आपकी कारकुन है, यहाँ तो आपके मुखालिफीन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ के मुखालिफीन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का, कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मगर आज मैं खुडिया की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कसूर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुश्किल वक्त देखा, आपने तकलीफें बर्दाश्त की, आपने इंतकाम बर्दाश्त किया, आपने जबर बर्दाश्त किया, मगर आपने कभी नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। आपकी मोहब्बत को सलाम है। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। खुडिया के मेरे भाइयों और बहनों, खसूसी तौर पे मैं अपनी बहनों से और नौजवानों से मुखातिब हूँ, बुजुर्गों से मुखातिब हूँ, अपने भाइयों से मुखातिब हूँ। मेरा सियासी जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जहां पर माँ बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। मेरा सियासी जन्म एक इंतहाई मुश्किल सियासी दौर में हुआ जहां बेटियों को बहनों को जेल की काल कोठरियों में फेंका गया, जहां बेटियों को बहनों को बाप के सामने गिरफ्तार करके जिसको सजाए मौत की चक्की कहते हैं वहां महीनों के लिए तालियां बंद करके फेंक दिया गया। लेकिन और ये भी मैं बताऊं, जलसों में भी बड़े से लेके छोटे तक ने जहां नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी की वहां मुझे भी नहीं बख्शा। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए,
जुमले कसे गए, बदतहजीबी बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। और आज आप देखो इनकी चोरी पर हम बात करते हैं, इन्होंने जो 9 मई को मुल्क पर हमला किया उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इनकी इनके खिलाफ जो जाती नौयत के मुकदमे थे जिनका फैसला आया, कभी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। खुडिया वालों, मेरे लिए ये वक्त आसान नहीं था, बहुत मुश्किल वक्त था। एक तरफ अपने बाप को तकलीफों में देखना, अपनी जमात को तकलीफों में देखना, आपको तकलीफों में देखना, आवाम को तकलीफों में देखना, और दूसरी तरफ मैंने अपनी माँ खोई है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं आज इस जलसे को ये गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ, और आपके जरिए आज पूरी कौम के 25 करोड़ अवाम को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ, ये एक इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूं। मैं आज वादा करती हूं और मैं सबको ये दावत देती हूं कि आओ जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीके इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वरगलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो, मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। खुटिया के मेरे बहनों भाइयों, मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहाँ पर अमन हो, भाईचारा हो, सलामती हो, और इंशाअल्लाह ताला होगा। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहाँ गरीब का बच्चा 3 वक्त पेट भर कर रोटी खाए, और होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का मेरी बहनों जहाँ हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं, हमेशा खिदमत पर मरकूज हो, और होगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को नवाज दो। और मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का, मैं ये नौजवानों से मुखातिब हूँ, नौजवान जरा हाथ खड़ा करो। मैं अपने इन बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहाँ आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं डिग्रियां हो, जहाँ आपके हाथ में डंडे नहीं लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स हो, जहाँ आप लोग बेहतरीन तालीम से आरास्ता हो, जहाँ आपको रोजगार के लिए फाइल हाथ में पकड़कर मारे मारे ना फिर ना पड़े, जहाँ आपका नौजवान तमीजदार और रवादार हो, और जहाँ ये जो आजकल नौकरियों की बड़ी बात होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा नौजवान, हमारा नौजवान खुद मुख्तार हो। मैं चाहती हूँ कि आईटी में आप सबका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबका मुस्तकबिल हो, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग्स मिले, आपको बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां मिले, और अगर आपको हुकूमत स्कॉलरशिप्स दे सके कि आपको आला तालीम के लिए बाहर भी जाना पड़े, तो हुकूमत को ये देना चाहिए आपको। लगाओ पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। मेरा दिल करता है कि बांग्लादेश और इंडिया की तरह और बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आईटी रेवोल्यूशन हो, और होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ख्वाब देखती हूँ ऐसे पाकिस्तान का जहाँ खुटिया समेत
हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर तहसील में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हो, जहां पे आवाम को इलाज के लिए दर बदर ना फिरना पड़े, दूसरे शहरों में ना जाना पड़े, होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा पाकिस्तान देखूं जहां पर कोई बच्चा भी स्कूल से बाहर ना हो। शहबाज शरीफ का बनाया हुआ दानिश स्कूल, हर शहर में कई कई दानिश स्कूल हो, जहां पर बच्चों को मुफ्त तालीम मिले और आला तालीम मिले, अच्छी तालीम मिले। इसी तरह मैं चाहती हूं ऐसा पाकिस्तान जहां पर हर गरीब के पास सेहत कार्ड हो, ताकि उसका इलाज मुआलजा भी अमीर के बराबर हो। जो पैसों दे, पैसे दे के इलाज करता है, वही इलाज आपका मुफ्त और होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। और ये मेरी ख्वातीन बैठी है, मैं आज इनको भी कहना चाहती हूँ, हमने अपने मंशूर में पिंक रेवोल्यूशन की बात की है। पिंक ख्वातीन का फेवरेट कलर है, इसलिए हमने उसको पिंक रेवोल्यूशन कहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तमाम जो ख्वातीन है, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको भी तालीम के और आला तालीम के यकसा मौके मिले, और ख्वातीन भी बाइख्तियार हो, जो पेशा भी वो तैयार करना चाहें, हुकूमत उनका हाथ पकड़े, आपके लिए बाइज्जत रोजगार हो, आपके लिए बाइज्जत सवारी हो, आपको सवारियों में मर्दों के बीच में धक्के ना खाने पड़े। और मैं ख्वाब देखती हूँ उस पाकिस्तान का कि जहां पर आप काम करने जाओ, दफ्तर जाओ, जहां भी आपकी रोजी है, वहां आपको आपको एक महफूज बाइज्जत जगह और बाइज्जत मकाम मिले। ये मेरा ख्वाब है आपके लिए, और इंशाअल्लाह हम इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। मैं, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने आपसे बात कर ली है, मैं ये कहना चाहती हूँ खुडिया वालों, आपके जरिए पूरे पाकिस्तान को, कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं है, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है, और ये फैसला अपने जाति पसंद नापसंद से बालातर होकर अपनी कौम के लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, अपनी बेहतरी और भलाई के लिए करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना है। और 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, नहीं बैठोगे ना, और सिर्फ खुद नहीं निकलना, अपनी ख्वातीन को भी लेकर निकलना है, अपनी बेटियों को, माओ को, बहनों को लेकर निकलना है, अपने बेटों को, अपने वालिदैन को लेकर निकलना है, अपने बच्चों को लेकर निकलना है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों को लेकर निकलना है। और वोट डालते वक्त ये जरूर सोचना कि ये वोट की पर्ची नहीं है, ये आपकी आने वाली नस्लों का फैसला है, ये अमानत है आपकी बतौर पाकिस्तानी, जो आपने पाकिस्तान को अच्छा फैसला करके लौटानी है। तो खुडिया ने तो अपना फैसला सुना दिया, मैं खुडिया से पूछना चाहती हूं कि खुडिया का फैसला क्या है, क्या फैसला है खुडिया वालों? तो ये आपके जो कैंडिडेट्स हैं आज के जलसे के मेजबान, मलिक अहमद खान साहब, मलिक रशीद अहमद खान साहब, राणा इकबाल साहब, मलिक अहमद सईद साहब, शेख वसीम साहब, साद वसीम साहब, राणा इसाद साहब, राणा हयात और राणा सिकंदर हयात साहब, नईम सफदर साहब और शहबाज शरीफ साहब भी कसूर से हैं। तो आप सबने शेर पर मोहर लगा के, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आपका फैसला बता रहे हैं कि आपका फैसला शेर और नवाज शरीफ है। पाकिस्तान को नवाज दो। अल्लाह ताला करे कि 9 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और आपकी तरक्की और खुशहाली का सूरज तलू हो, जो फिर कभी गरूब ना हो। मेरे साथ मिलकर 3 नारे लगाने हैं, भरपूर जवाब आना चाहिए, जितना भरपूर ये जलसा उससे बड़ा जवाब आना चाहिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान।
बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को नवाज दो। मैं जिस शख्सियत को खिताब के लिए दावत देने लगा हूं, आप सब जानते हैं कि आप आज उनके वोटर भी हैं। आप जान गए हैं कि मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को दावत देने लगा हूं। झंडे उठाकर, हाथ उठाकर, तालियां बजाकर ये उनका इस्तकबाल कीजिए। और ये जनाबे मियां साहेब सब आपके वोटर्स हैं, वोटर्स नहीं सपोर्टर्स हैं। और ये आपके हलका इंतखाब का एक हलका इंतखाब का इज्तमा है। तालियां बजाकर, झंडे लहराकर, मेरे नारे का जवाब देकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो। अल्लाह रहमान रहीम। खुड़िया आई लव यू। पाकिस्तान को नवाज दो। खुड़िया के अजीम बुजुर्गों, नौजवान, पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान नौजवान साथियों और मेरी बहनों, नवाज दो पाकिस्तान को। आपको मैं पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो। मियां नवाज शरीफ मेरे कायद, अभी थोड़ी देर में आपसे खिताब करेंगे। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपने मुझे इस हलके से कौमी असेंबली का उम्मीदवार बना के मुझे खरीद लिया आपने, और बचपन से सुनते थे वो जुमला मैं आज आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने उम्मीदवार मुझे बना के, तो मैं ये बात दिल से यहां पर कहना चाहता हूं, मैं कसूरी, मेरा ना कसूरी, मैं विच कसूर दे रहा मैं। ये अल्लाह ताला के बाद ये टिकट, ये अमानत है नवाज शरीफ की। और अगर आपने अपने वोटों से और नोटों से, वोटों से आपने दुआओं से मुझे यहां से कामयाब अल्लाह ताला के फजल करम से कराया, तो खुड़िया वालों और जिला कसूर वालों, मैं आपको ये इनकसारी से मगर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क्यादत में इस जिला कसूर को लाहौर बना देंगे और इस जिला में हर चीज देंगे। नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान को नवाज दो। मैं कोर्ट राधा कृष्ण में आना चाहता था,
लेकिन उस दिन शदीद मसरूफियत की वजह से ना आ सका, लेकिन वादा है आपसे कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो पहली फुर्सत में कोर्ट राधा कृष्ण आऊंगा और आपका आगे वहां पर शुक्रिया अदा करूंगा। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। बेटी मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की। अब मैं कोई बात जो उन्होंने यहां पर की गर्म जोशी से और बहुत दिल की गहराइयों से, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आज इस इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है तो मैं ये आपको कहने आया हूं कि नवाज शरीफ ने जहां जहां जलसे किए, कई जलसों में मैं इनके साथ था, मैं आपको ये कहने आया हूं कि वहां पर मैंने नवाज शरीफ की जो तीन मर्तबा अल्लाह ताला के फजल करम से वजीर आजम पाकिस्तान बने, जो खिदमात उन्होंने की वो मैंने हर जगह गिनवा दी हैं। आज मैं ये बताने आया हूं कि अगर आप नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम अल्लाह के फजल से बनाते हैं तो नवाज शरीफ इस मुल्क की खिदमत किस तरह करेगा और पाकिस्तान को किस तरह इन मुश्किलात से आपकी दुआओं से निकालेगा। मेरे बुजुर्गों, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए। तो एक तरफ अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया, एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है, एक तरफ इसार और कुर्बानी है, दूसरी तरफ लालच, तमा और पैसा बटोरने की ख्वाहिश है, एक तरफ ये शख्स नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ मुल्क दुश्मनी है, एक तरफ तदब्बर है, सुलाजोई है, तहम्मल है, बर्दाश्त है, दूसरी तरफ रौनत और तकब्बर है, एक तरफ गाली गलौज है, दूसरी तरफ दुआएं हैं। मुल्क की खैर मांगने वाला नवाज शरीफ है। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहां बैठा है जिसने पाकिस्तान को 28 मई को एक एटमी कुवत अल्लाह ताला के फजल करम से बनाया। और ये आप बॉर्डर पर रहने वाले आप लोग हैं, ये हमारा हमसाया अब क्यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। एक बारी फिर दोबारा एटमी धमाके कर दे हो फिर। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, माजी में जब भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त आया, मैं 1990 की दिहाई में जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वजीर आजम बना तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया और नवाज शरीफ, मैं इस बात का गवाह हूं कि सैलाब के साथ साथ पैदल चलता गया और जब तक सैलाब समंदर में गर्क नहीं हुआ नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठा था और कच्चे घर भी तामीर किए। ये है वो नवाज शरीफ की खिदमत का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ जब सैलाब आए
हालिया सालों में तो वो लॉन्ग मार्च करते रहे, वो धरने देते रहे, वो साजिशें करते रहे। जब डेंगी आई तो नवाज शरीफ की क्यादत में मैं आपके दरमियान था, वो पहाड़ों पर चढ़ गए और जाकर वहां पर हुक्का पी के सो गए। ये है वो क्यादत जिसका आज मैं मुवाजना कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है तो उससे क्या होगा कि फिर 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा, एक नई सुबह होगी। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को आप वजीर आजम मुंतखब करते हैं तो फिर क्या आपको खुदार की जिंदगी बसर करनी है या खुददारी की जिंदगी बसर करनी है, कि आपको कशकोल लेके जाना है या अपना हाथ अल्लाह के फजल से इस तरह करना है, कि आपने अपने बच्चों, बेटियों और बहनों को तालीम दिलवानी है और उनको हुनर सिखाना है और इज्जत का रोजगार दिलवाना है, या फिर एक ऐसे शख्स के पीछे जिसने कौम को गाली सिखाई, कौम को बदतमीजी सिखाई, माशरे में जहर घोला। नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सबर किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। ओ कसूर वालों और खुडिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ ने, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि वो कौन सा लीडर है। इधर में मैं आप सबसे मुखातिब हूं कि वो कौन सा लीडर है जिसकी पूरे पाकिस्तान में तरक्कियाती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हैं। कौन है वो? पाकिस्तान को नवाज दो। पाकिस्तान में तरक्कियाती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हों उसके खिलाफ और उसकी हुकूमतों का तख्ता उलटना यह मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी, मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। अभी कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान, आप जानते हैं ना कौन मेहरबान है मेरे? उस जोर नाल बोलो की हो गया तानू। मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची में लाहौर बना देंगे। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज। जिन्हां ने कराची नू लाहौर बनाना है ते बाकी गल पिछे की रह गई, और बोलते नहीं कसूरिया बोलो ना। इसलिए मेरे बुजुर्गो, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको आज
नवाज शरीफ ने अभी आपसे खिताब करना है। मैं आपको आज ये वादा करके जा रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा आपने मौका दिया तो कसूर की बात तो मैंने कर ली, मैं पंजाब की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में ऐसे लाखों करोड़ों नौजवानों को ऐसे जनाब नौजवान किने किने ते एदा मतलब है कि मैं कला नौजवान नहीं बाकी तो सारे नौजवान हो। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि इन नौजवानों इन बेटियों के लिए पूरे कसूर में नहीं पूरे पंजाब में पाकिस्तान में आपके हाथ में लैपटॉप और जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग जिससे आपके बच्चे और बच्चियां वो हुनर सीखे पाकिस्तान में बावकार उनको यहाँ पर मुलाजमत मिले मुल्क से बाहर भी कारोबार करें पाकिस्तान को खुशहाल करें कशकोल तोड़े गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा करें इस मुल्क के अंदर अपने पाँव पे खड़े हो उधार की जिंदगी से बाज आए और अजीम बने पाकिस्तान को नवाज दो पाकिस्तान को नवाज दो पाकिस्तान को नवाज। लिहाजा 8 फरवरी का दिन जो है नोट कर लो, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो, इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करो, इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। और पाकिस्तान को नवाज दो पाकिस्तान को नवाज दो पाकिस्तान को नवाज दो। सोएंगे नहीं, आपको आराम की जिंदगी, आपको आराम की नींद रात को मिलेगी तो हम सोएंगे, आप खुशहाल होंगे तो हमारी थकावट दूर होगी, आपके बच्चे मुलाजमत में आएंगे तो हमें फख्र होगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें फख्र होगा, यहाँ अस्पताल बनेगा हमें फख्र होगा और कशकोल टूटेगा पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाल्लाह। काम करोगे लड़ोगे आगे बढ़ोगे पाकिस्तान को अजीम बनाओगे तो फिर कितना कुछ है, ये सुन लो बात आखिरी बात कर रहा हूं, कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ अभी बाकी है, ख्वाब जो पूरा देखा था अभी अधूरा बाकी है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। नारा लगाओ पाकिस्तान, आवाज दिया है पाकिस्तान, एक गंडा पुरदों के आवाज जानी चाहिए गंडा पुरदे के पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद नवाज शरीफ शेर शेर। खुदा हाफिज। मैंने नाम लिए वो तमाम कैंडिडेट्स के जो मरीम नवाज ने नाम ले चुकी हैं, इंशाल्लाह मैं उनका नाम लेने दीजिए, जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, जनाब राणा हयात खान साहब, साद वसीम शेख, राणा मोहम्मद इकबाल साहब, ये बड़े नवाज शरीफ के बड़े साथी हैं, इनके वालिद भी नवाज शरीफ के बड़े साथी थे, और उसके बाद मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, चौधरी मोहम्मद इलियास खान, मोहम्मद नईम सफदर, मलिक अहमद सईद खान, शेख अलाउद्दीन, ए शेख साहब मेरे भी बड़े मेहरबान ने,
मोहम्मद अनवर, राव मुमताज, राव मजर हयात, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। हुन तुहाडे नाल किदों मुलाकात होएगी? और नौ नू इंशाल्लाह ऐसे मैं तुहाडे वास्ते मिठाई ते हलवा पूरा लेके आवांगा। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। और अब आपको पता है जरा झंडे हिलाकर वो पीछे पंडाल में अब किसकी आमद है जरा ऊंची बताओ। मैं ज्यादा शेर नहीं पढ़ता लेकिन आज मैं अपने जज्बात का इजहार कायदे मोहतरम के आने पर कुछ इन अल्फाज में करना चाहता हूं। दबी है जिगर की आग अभी बुझी तो नहीं, हरी है हर शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं। इन अंधेरों से कह दो कि अपना ठिकाना कर लें, हमने नए अज़्म से आगाज़े सहर की है। जनाबे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इस्तकबाल कीजिएगा कायदे मोहतरम का। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। अपनी जात से बाला तर जो वो ही लीडर अपना है। सेहत तालीम मिलेगी सबको यही उसका सपना है। काम करेगा ऐसे सारी कौम को जिस पर नाज हो। शेर पे मोहर लगाओ पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूं आप पहचान लेते हैं कि कौन आया है स्टेज पे। मेरी बिस्मिल्लाह से ही आप जान जाते हैं कि नवाज शरीफ आ गया है। आज तो भाई खुडिया में मेरे मोहतरम भाई जश्न का समा है। इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। मलिक अहमद खान बताओ यार, ये देखो ना, ये वो जलसे से बाहर एक और जलसा है, जलसे से बाहर एक और जलसा है, वहां है। इधर इधर भी आवाम का पहाड़ है, पहाड़। किसी पहाड़ी पे बैठे हुए हैं लगता है। और मैं देख रहा था, बड़े गौर से मैं देख रहा था कि यहां पर नौजवान कितने बैठे हुए हैं। मुझे पता है, मुझे मेरे नौजवान कह रहे हैं आई लव यू। भाई सिर्फ आप ही कह रहे हैं या बाकी जलसा भी कह रहे हैं?
जो कह रहे हैं कि आई लव यू जरा हाथ खड़ा करो। क्या क्या समा है, नवाज शरीफ कुर्बान है आपके जज्बात पर। जितने प्यार से आप मुझे कह रहे हैं आई लव यू, उससे 10 गुना प्यार से नवाज शरीफ कह रहे हैं आई लव यू टू। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज। मुझे मालूम है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ ही ना बोलेंगे, आप सच बोलेंगे। वादा है जो 30 साल से छोटे उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो हाथ खड़ा करें। देख लो शहबाज शरीफ साहब, कहते ने यूथ वो दे नाल है, वो यूथ है बैठी है, यूथ तो माशाल्लाह हमारे नाल है, हमारे साथ है, क्या हमारे नाल है, मलिक अहमद खान के साथ है, ये भी यूथ है, सफेद दाढ़ी वाला यूथ है ये, और हम सब यूथ हैं, मेरे अंदर भी यूथ का जज्बा है, और अल्लाह के फजल व करम से यूथ तो भाई पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। और शहबाज शरीफ साहब, आप यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस जज्बे की समझ मुझे आती है, ये जश्न का जो समा बना हुआ है इसकी समझ मुझे आती है, ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ यहां से इलेक्शन लड़ रहा है। नवाज दो पाकिस्तान को, नवाज दो। शहबाज शरीफ साहब जो इलेक्शन यहां से लड़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इनको यकीन है कि अब खुटिया की तकदीर बदलने वाली है। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को। साहब शहबाज साहब ने कहा है जी कि खुटिया वालों, मैं 9 को या 9 के बाद आऊंगा। नहीं शहबाज शरीफ साहब, 9 तो बाद तो तुम आओगे, आज वादा करके जाओगे खुटिया नू की दे के जा रहे हो। कोट राधा कृष्ण को क्या दे के जा रहे हो, ये इसके बगैर आपने शहबाज शरीफ को यहां से जाने नहीं देना। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि खुटिया आए हो, अल्लाह के फजल व करम से खुटिया की तकदीर बदलनी चाहिए, ये नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, इनकी तकदीर अल्हम्दुलिल्लाह बदलनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस बात की तरफ बाद में आता हूं, अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूं, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता, सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। अभी आपने हाथ उठाया है कि 30 साल से जो कम उम्र लोग हैं, वो सारा जलसा माशाल्लाह 30 साल से कम उम्र का है। मैं इंशाल्लाह ताला दावे के साथ दोबारा ये बात कहता हूं कि नवाज शरीफ का दौर जारी रहता, आज इस जलसे में तो क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई बेरोजगार ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सुन ले, ये कोयटे वाले भी सुन ले, ये पिशावर वाले भी सुन ले, ये लाहौर वाले भी सुन ले, और ये कराची वाले भी सुन ले, कि पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजल और करम से। लेकिन हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है, इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने, हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है, हमने फिर एशियन टाइगर बनना है, और ये यूथ बनाएगी, इंशाल्लाह यूथ बनाएगी। बोलो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाओगे?
शबाज साहब इनसे काम लो, ये बड़े काम के लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। कितना जज्बा इनके अंदर, इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करो, ये जज्बा पाकिस्तान में इनकलाब पैदा कर देगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेगा, ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। शबाज साहब इसको पूरा पूरा इनको मौका दो। और मैं आपको ये बात कहने लगा हूं कि अभी जब मैंने कह रहा था कि शबाज शरीफ साहब को जाने नहीं देना, आपने तो जाने दिया, मैं नहीं जाने दूंगा इनको यहां से। शबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहां पे एक दानिश स्कूल आएगा, खुडिया के अंदर, खुडिया की सड़कें जो हैं, खुडिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात करेंगी, मोटरवे से भी आगे सड़कें खूबसूरत बननी चाहिए। और खुडिया का जो रास्ता है लाहौर को जो मिलता है, खुडिया का रास्ता भी किसी मोटरवे से कम नहीं होना चाहिए। और खुडिया ने क्या कसूर किया है भाई, खुडिया ने क्या कसूर किया कि खुडिया को यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती? ये नौजवानों को यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए भाई। एक और बात, ठहर जाओ, मैं यूनिवर्सिटी का फैसला करने लगा हूं। अभी तो 30 साल से कम उम्र लोगों ने हाथ खड़ा किया, जो 20 साल से कम है, 20 साल से कम वाले हाथ खड़ा करे हूं। बहुत माशाल्लाह जी, 20 साल से भी कम, कोई 10 साल से कम वाला भी है कि नहीं? कोई 5-10 सालों वाले भी हैं यहां पे? तो 20 साल से कम वाले दोबारा हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाथ नीचे करो, जो 10वीं में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में जो पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें। ये काम है, वोटर ज्यादा है माशाल्लाह। शबाज साहब, एक तो यूनिवर्सिटी यहां मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी खुडिया में मिलनी चाहिए। और फिर जी कसूर में भी, कसूर भी होया जी, कसूर ने क्या कसूर किया जो कसूर को नहीं मिलेगी? कसूर तो हमारा सोना शहर कसूर है। तो शबाज शरीफ साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए, हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर, बेहतरीन कंप्यूटर होना चाहिए इनके हाथों में। और यहां जहां खड़े हैं ना, अगर यहां कोई स्टेडियम नहीं है तो शबाज शरीफ साहब यहां स्टेडियम बनना चाहिए, बड़ा खूबसूरत। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। और कोर्ट राधा कृष्ण को भी ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए। ये मलिक रशीद साहब मेरे बड़े पुराने साथी हैं, बड़े पुराने नवाज शरीफ के साथी हैं ये, और ये मेरा साथ दिया, इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इनको तो वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए जो ये चाहते हैं कोर्ट राधा कृष्ण के लिए। और हमारा और शबाज साहब इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को नवाज दो। नौजवानों के लिए भाई, जाओ नौजवानों, छोटी छोटी उम्र के जो बच्चों हैं उनसे पूछो, जब नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली थी या नहीं थी? ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे, बोलो आपको याद है या नहीं याद है? ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे, और ये धरनों में मसरूफ थे,
हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे, ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे, और ये धरनों में मसरूफ थे, हम किसानों को सस्ती खाद और सस्ती डीएपी देने में मसरूफ थे। क्यों किसानों मुझे बताओ, 8 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिलता था या नहीं मिलता था, बोलो, ट्रैक्टर कितने का मिलता था? 8 लाख का, और आज कितने का मिलता है? 38 लाख रुपए का। और बोलो नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी भी थी, सब्सिडी। और शबाज साहब ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते थे, सब्सिडी। और शबाज साहब, आप किसानों के लिए, जब किसान इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है उसको आपने ये सोलर पैनल लगा के देने, ताकि उसका ट्यूबवेल सोलर बिजली पे चले। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। हम नौजवान बेटों और बेटियों को लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह, और लैपटॉप के साथ साथ इंशाल्लाह हम इनको हुनर भी सिखाएंगे, और इंशाल्लाह बाइज्जत नौकरियां भी देंगे, रोजगार भी देंगे इंशाल्लाह। नवाज दो पाकिस्तान। 50-50 लाख घर दे रहे थे। इन्होंने कहा था ना कि 50 लाख घर देंगे हम, कहा था या नहीं कहा था? यार मैं पूछना चाह रहा हूं इस जलसे से, आप लोगों से, एक बंदा हाथ खड़ा करे जिसको एक घर मिला हो। किसी को कोई घर मिला? कहां गए वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? किसी को भी नौकरी मिली? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? वो खूब खाते में पड़ गए, और अरबों पाकिस्तान का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और कहां गए वो 350 डैम? कहां गए? कहीं नजर आता है आपको एक भी डैम? वो बस कहां गए वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहां चले गए? याद है नहीं याद है? अंडे मुर्गियां कट्टे बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड था, फ्रॉड फ्रॉड। और दूसरा है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां आज बड़ी महंगी हो गई हैं। 5-5 लाख रुपए की गाड़ियां मिलती थी, कारें, आज 25-30 लाख रुपए की हो गई हैं। मोटरसाइकिल 70,000 रुपए में मिलता था, आज 2.5 लाख का हो गया है। और सोना 50,000 में मिलता था, आज कितने का है तोला सोना, बोलो भाई? ये नाइंसाफी पाकिस्तान में नहीं, फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना, इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे, हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। और ये यूथ, ये नौजवान 30 साल से कम उम्र वाले लड़के जो हैं, ये शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ के साथी बनेंगे, और हमारे कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क की तामीर करेंगे। क्यों खुटिया वालों, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और खुटिया, राजा जंग, कोट राधा कृष्ण और कसूर को सब कुछ देना है जो वो चाहते हैं और जिसकी उनको जरूरत है। और यूनिवर्सिटी शहबाज साहब नोट कर लिए, लिख के दो शहबाज साहब नुसारा, मैं लिख के देता हूं इनको, लिखो भी। किधर है हमारा मलिक साहब? ये लिख कर दें, ये शहबाज साहब ने ये कैंडिडेट बनाया तो एवं तो नहीं बनाया, क्यों भाई मुफ्त कैंडिडेट बना लिया सी? नहीं नहीं नहीं, आज वादा लेके भेजना है ना। लिखो जी मलिक साहब, लिखो, लिखी जाओ ना, यूनिवर्सिटी लिखो, दानिश स्कूल लिखो, एक बेहतरीन अस्पताल लिखो,
लिखो लिखो कितना कितना खर्चा आ जाएगा भाई, कितना खर्चा आ जाएगा? 1 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, और 10 अरब रुपया, और 20 अरब रुपया। आप पे 20 अरब रुपया कुर्बान है, कुर्बान। ये जज्बा, ये तो जज्बा पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खबर दे रहा है। ये मुस्तकबिल का रोशन, मुस्तकबिल का पेश खैमा है। और ये सरकारी जगह है, शहबाज शरीफ साहब नोट कर लो, लो भी खुटियां वाले आप नोट कर लो। शहबाज साहब तो अभी खामोश हो गए, बात नहीं कर रहे। इसी जगह पे स्टेडियम बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। भाई याद करो, ये कह रहे ना पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, 4 रुपए की रोटी कितने की थी? और 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। आजकल 20 रुपए में कितनी रोटियां मिलती हैं? 1। शहबाज साहब इनसे पूछें आप, वो दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? लेकिन आपकी मोहब्बत जाग गई है दोबारा, मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत जाग गई है। और मेरी मोहब्बत तो खैर पहले से जाग रही थी आपके लिए, कई सालों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, और इंशाल्लाह आइंदा मुलाकातें होती रहेंगी। जब स्टेडियम बनेगा तो मैं खुद आऊंगा शहबाज शरीफ साहब को लेके इफ्तिताह करने के लिए इंशाल्लाह। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। और क्रिकेट का मैच खेलेंगे और मैं यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन के तौर के ऊपर खेलूंगा यहाँ। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान। वो देखो यार, वहां तक लोग बैठे हुए हैं, वो बाहर जलसे वाले बैठे हुए हैं। भाई बाहर वालों को नवाज शरीफ सलाम करता है, सलाम आप सबको भी। भाई खुटिया वालों, नवाज शरीफ का बहुत प्यार भरा सलाम कबूल करो। आज हमारी खवातीन बहनों को बहुत सलाम। आज हमारी मुहिम का आखिरी जलसा है और वो खुटिया में हुआ है, और मलिक साहब ने, दोनों मलिक साहब ने कहा कि खुटिया में जलसा होना चाहिए। नवाज शरीफ भी हाजिर है, शहबाज शरीफ भी हाजिर है, मरियम नवाज शरीफ भी हाजिर है, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़े प्यार के साथ आए हैं और बड़े प्यार के साथ आपको खुदा हाफिज कहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान। मैं मलिक मजहर रशीद का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे गुजारिश पे उन्होंने अपनी टिकट वापस कर दी। वो वर्कर है और उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। मियां साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ खामोश है, और जनाब टोंडे होने में मैं कैसे बोल सकना है? पाकिस्तान को नवाज दो, झंडे 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 पंडाल पे, और इस तरफ को दाई तरफ को नहीं जाना, बाई तरफ को निकलना है, रेलवे लाइंस की तरफ, दाई तरफ को नहीं निकलना। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सबका। भाई आज 8 तारीख का फैसला, आज मलिक अहमद सईद खान की तरफ से, मलिक रशीद खान साहब की तरफ से आप सबका बेतहाशा शुक्रिया। और मियां नवाज शरीफ साहब ने, मियां शहबाज साहब ने
और मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने आपका बेहद शुक्रिया अदा किया है। थैंक यू। पाकिस्तान को नवाज दो, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोट राधा कृष्ण के आवाम का, कोट राधा कृष्ण की तमाम यूनियन काउंसिल से आने वाले अपने भाइयों बुजुर्गों हल्लड़ के परिवार रत्ती पिंडी और बल्लू की राम थम्मन यूनियन काउंसिल छीना काउंसिल और उसके आगे बम्बा काउंसिल मत्ता यूनियन